माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान रविंदर बांसल से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि आज के आधुनिक युग में भगवान की भावभक्ति भजन कथा होने के बावजूद लोगों में संसार से वैराग्य का भाव नहीं आता। समाज, देश, धर्म की सेवा की बजाय लोग अपने परिवार के पालन पोषण तक ही सीमित रह जाते हैं, आखिर क्यों? इस परिचर्चा में विचार व्यक्त करते हुए नवजीत भारद्वाज ने कहा कि हमें बचपन से ही ऐसा वातावरण मिलता है कि सांसारिक सुख माया मोह के बंधन में जकड़े रहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे भूल जाते हैं। संतों के उपदेशों का गहराई से मनन नहीं करते और व्यर्थ कार्यों में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सोच संकीर्ण होगी तो धर्म और देश की रक्षा कैसे होगी। उन्होंने अपील की कि संकीर्णता का भाव त्यागें तथा धर्म और देश के लिए त्याग की भावना को प्रबल करें। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, अमरेंद्र सिंह, दिशांत शर्मा, डॉक्टर मुकेश, उदय, रिंकू सैनी, सुनील कुमार, राहुल धीर, नवदीप, मुनीश शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, बाबा जोशी, रमनदीप, जसविंदर सिंह, अजीत कुमार, गुलशन, संजीव शर्मा, राजेश महाजन, अभिषेक भनोट, भानु मल्होत्रा, करण वर्मा, अमरेंद्र शर्मा, अश्वनी शर्मा, अमरजीत सिंह, समीर चोपड़ा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, राजीव, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, साबी, लकी, सुनील जकी, अशोक शर्मा, प्रिंस, राजन पठानिया, पंकज, दीपक, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी स्थित है, माँ पीतांबरा के अलौकिक दिव्य हवन यज्ञ का अज आयोजन किया गया। अज अमावस्या के दिन एक विशेष जिहड़ा अलौकिक हवन यज्ञ सी, उस दे विच नाना प्रकार दीआं जड़ियां बूटियां दे नाल महामाई के निमित हवन यज्ञ के विच आहुतियां डालियां गईयां और जगदंबा के चरणों च यही बारंबार प्रणाम है कि हे माँ पीतांबरा, अपने बच्चों के उत्ते मेहर भरिया हथ रखो, शरीरक निरोगता दो, घर परिवार सुख शांति दो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि शनिवार का जिहड़ा हवन यज्ञ है वह इस बार शाम 6 बजे तो 7 बजे तक होएगा। उस तो उपरांत जिहड़े सारे सेवादार है वह चौहाल डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर च जिहड़ा संक्रांति का लंगर भंडारा शुरू किया जा रहा माँ बगलामुखी धाम के सारे सेवादारा वालों उत्थे जाएंगे, उत्थे जाके लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सारिआं नूं करबद्ध प्रार्थना है उत्थे पहुँचो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना 24 तरीक नूं वड्डा जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ और लंगर भंडारा है उस दिन गणपति महाराज जी भी स्थापित किए जाएंगे। सारिआं नूं यही साडे वल्लों करबद्ध प्रार्थना है कि हुम हुमा के पहुँचो, अपने परिवार नाल, बच्चियां नाल और सगे संबंधियों नाल पहुँच के आके महामाई के दरबार च हवन यज्ञ च शामिल होवो और माँ का आशीर्वाद ग्रहण। बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के जो माँ बगलामुखी का मंदिर स्थापित है, अज मैं दसना चाहना कि मेरे जदों का मैं बगलामुखी धाम के जुड़िया महामाई के मेरे उपर बहुत ही कृपा हुई है। जो कृपा माँ बगलामुखी धाम हिमाचल के बरसती है उही कृपा इतने बरसती है। मैं सबन ये कहना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी धाम के जुड़ो तो अपना बीड़ा पर जयकारा बगलामुखी माता जी का। अज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के स्थित हैगा, उत्थे महामाई के जेडे हर वीरवार को हवन होंगे है उन्होंने कड़ी के अज फिर हवन जो
किया गया और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया गया और भगत जोड़े है सवेर तो ही जोड़े वो आके महामाई के दरबार से सेवा कर रहे थे तो उन्होंने महामाई के दरबार के नाना प्रकार वस्तुआं लिया के जड़िया बूटियां लिया के हवन यज्ञ किया और नाना प्रकार के भोग जड़े लगा के महामाई अर्पण किए हैं। इतने मैं ये भी दसना चाहना कि 24 तारीख दिन रविवार वड्डा हवन यज्ञ जिहड़ा हो रहा है तो उदन गणेश जी की स्थापना भी होगी तो सारे भगतों को बेनती की जाती हैगी है करबद्ध प्रार्थना हैगी है इतवार 24 तारीख में सवेरे जोड़े मंदिर परिसर हाजिर होकर गणेश जी की मूर्ति स्थापना भी करवा और वड्डे हवन यज्ञ शामिल।